वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज का लेक्चर रहेगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स पर। सो लेट स्टार्ट। तो ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होता क्या है? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिसेस जो कि डिजाइन करी जाती हैं मैनेज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सॉइल मॉइस्चर को, रिड्यूस करने के लिए इरोजन को, और एनहेंस करने के लिए वाटर अवेलेबिलिटी जो कि क्रॉप्स को मिले। तो इसमें हमारे तीन ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं। कुछ होते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट, कुछ होते हैं सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट, और कुछ होते हैं टेम्परेरी ट्रीटमेंट। सो लेट्स डिस्कस देम इंडिविजुअली। सो सबसे पहला वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स में आता है परमानेंट मेजर्स। परमानेंट मेजर्स में क्या होता है, हम लोग एक जगह की फिजिकल फीचर्स को या फिर ड्रेनेज फीचर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्यों करा जाता है? ताकि हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर पाए, या फिर हम लोग उस जगह में ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे रन ऑफ, तो उसको हम सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स करे जाते हैं, जैसे कि वाटरवेज बनाना, बंड्स बनाना, ग्रेडेड बंड्स और टेरेसेस। इनको हम चारों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद वाटरवेज फर्स्ट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस वाटरवेज। वाटरवेज कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं विद और विदाउट वेजिटेशन के, ताकि हम सेफली डिस्पोज कर पाए वाटर को। ठीक है, तो फील्ड्स में प्रॉब्लम्स क्या होती है मेनली, कि रन ऑफ वाटर हम लोग कैसे कंट्रोल करें। तो वाटरवेज जो है एक वन ऑफ द सॉल्यूशन होता है इन द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। सो इसमें क्या होता है, हम लोग वाटरवेज जो बनाते हैं विद और विदाउट वेजिटेशंस बना सकते हैं। विद वेजिटेशंस का मतलब होता है ग्रासेस का यूज करके, और विदाउट वेजिटेशन विदाउट द प्लांट्स। ओके, द सेकेंड एंड थर्ड सॉइल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स टुगेदर, बंड्स एंड ग्रेडेड बंड्स। सो जो बंड्स होते हैं वो एरियाज ऑफ लो रेनफॉल में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, लेस देन 600 mm, और जो हमारे ग्रेडेड बंड्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हाई रेनफॉल एरियाज में, मोर देन 600। ये परमिएबल सॉइल्स में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये पुअर परमिएबल सॉइल्स में। ये जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अक्रॉस द स्लोप किए जाते हैं, जहाँ पे स्लोप परसेंटेज अप टू 6% हो। ये अलोंग द स्लोप्स करे जाते हैं और वो अक्रॉस द स्लोप करे जाते हैं। यहाँ पे जो स्लोप का परसेंटेज रहता है 2-6% रहेगा। इधर जो मेन पर्पस रहता है बंड्स बनाने का, वो रहता है कि हम जो रन ऑफ का वाटर, मतलब पानी जो बह के आ रहा है, उसे कंजर्व कर पाए। जबकि यहाँ पे जो मेन पर्पस रहता है, जो वाटर रन ऑफ हुआ है उसे सेफली डिस्पोज, यहाँ पे ड्रेनेज का फंक्शन हमारा ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो वापस यहाँ पे जो है हमारा ग्रेडेड बंड्स इसीलिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ताकि वो सेफली डिस्पोज हो जाए हमारा रन ऑफ वाटर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटूर एंड ग्रेडेड बंड्स फ्रॉम दिस डायग्राम। सो कंटूर बंड में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, जो हमारे लो रेनफॉल एरियाज में हो रहे हैं, परमिएबल सॉइल रहेगी और वहां पे जो स्लोप रहता है अप टू 6% रहेगा। तो यहाँ पे जो स्लोप रहेगा वो हमारा 6% रहेगा, और यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है इन बंड्स को बनाने का, वो बेसिकली रहता है टू कंजर्व द वाटर, रन ऑफ वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो जो पानी यहाँ से हमारा ये स्लोप है, तो पानी बह के नीचे चला जाएगा, ऐसे तो ऊपर वाली साइड पे मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऐसे बंड्स बना लेते हैं ताकि जो हमारे यहाँ वाली सॉइल है, यहाँ वाली सॉइल है, यहाँ वाली सॉइल है, तो उनको पानी मिलता रहे, पानी बह के ना चला जाए रन ऑफ वाटर। जबकि ग्रेडेड बंड्स जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो हाई रेनफॉल एरियाज में करे जाते हैं, वहां पे पानी की शॉर्टेज नहीं है, अगर स्लोप भी हो तो, है ना। वहां पे जो स्लोप है एक तो 2-6% है, और वहां पे जो सॉइल होती है वो भी पुअर परमिएबिलिटी की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस वाटर को ड्रेन करना होता है। सो ड्रेनेज के लिए यहाँ पर ऐसे ग्रेडेड बंड्स को अलोंग द स्लोप कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जबकि यहाँ पे अक्रॉस द स्लोप कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ परमानेंट मेजर, टेरेसेस। टेरेसेस वहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मेनली बेंच टेरेसेस बोलते हैं इन्हें, क्योंकि सी दीज आर लाइक बेंचेस। सो ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं 16-33 स्लोप्स में। स्लोप्स परसेंटेज दे रखी है हमें यहाँ पर, स्लोप परसेंटेज होती है हमारी राइज टू द रन। ओके, राइज टू द रन का परसेंटेज होता है। तो ये यहाँ पर हमें 16-33 देखने को मिलती है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अपनी स्लोप लेंथ को और डिग्री को, टू मिनिमाइज द सॉइल इरोजन।
सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, सेमी परमानेंट मेजर्स. सेमी परमानेंट मेजर्स जो होते हैं, हमारे परमानेंट मेजर्स की तरह परमानेंट सॉल्यूशंस तो नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इन्हें काफी हद तक यूज करते हैं टू मिनिमाइज द लॉसेज दैट अकर. सो ये होते हैं हमारे लार्ज फील्ड एरियाज में कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं. इनमें क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इनका रहता है कि ये हमारा मिनिमाइज कर पाए वेलोसिटी ऑफ द ओवरलैंड फ्लो को. ओवरलैंड फ्लो को है जो कि हमारा जैसे पानी है रिवर्स वगैरह का, तो वो हमारे फील्ड की तरफ ना आ जाए, तो उसे ओवरलैंड फ्लो कहते हैं. इसमें हमारे सेमी परमानेंट मेजर्स में तीन तरह के मेजर्स होते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, रेज्ड बेड्स और वेजिटेटिव बैरियर. सो लेट्स स्टडी देम इंडिविजुअली. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑफ द सेमी परमानेंट मेजर. सो मोस्टली आपको पता होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग होती क्या है. स्ट्राइप्स में ऑल्टरनेट लेयर्स में क्रॉप्स को उगाना ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग. इसका पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर. इसमें क्या होता है, हम ऑल्टरनेट लेयर्स में क्रॉप्स को उगाते हैं. इधर एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज फर्स्ट रो में हम हे, वीट, स्मॉल ग्रेन्स को उगा रहे हैं, सो सेकंड रो में हम कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन, शुगर बीट्स को उगा सकते हैं. इससे क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल बैरियर जो कि हमारा वाटर एंड विंड्स के जो इरोजन हो रहा है उसको स्लो डाउन कर पाए. इधर जो स्ट्राइप्स होती हैं वो अलोंग द स्लोप उगाई जाती हैं. सपोज स्लोप इधर तरफ है तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्राइप क्रॉपिंग होगी वो इस तरह इसी के स्लोप के अलोंग होगी, जबकि अगर विंड डायरेक्शन ऐसे है तो इधर जो हमारी क्रॉपिंग होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. इधर मैं थोड़ा क्लियरली समझाती हूँ. सपोज मेरी जो विंड डायरेक्शन है इधर की तरफ है, तो मेरी जो स्ट्राइप क्रॉपिंग होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड इट शुड बी अलोंग द स्लोप के अलोंग होनी चाहिए. लेट्स डिस्कस द सेकेंड ऑफ द सेमी परमानेंट मेजर्स, रेज बेड. इन्हें हम लाइव बेड भी कहते हैं. ये 2 से 3 मीटर के बेड रहते हैं जिन पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मेनली एनुअल या फिर पेरेनियल भी हो सकती हैं. ये इनका मेन पर्पस होता है इरोजन को कंट्रोल करना. और दूसरा, इधर जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस आ जाती है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर, तो उसको भी कंट्रोल करा जाता है विद द हेल्प ऑफ रेज बेड. Let's discuss the last one of the semi-permanent major, vegetative barrier. So, vegetative barrier क्या होता है? Suppose this is my piece of land, तो मैं उसके आसपास क्या करूँगी? Grasses या legumes को उगा दूँगी. अब इससे क्या होता है, मेरा जो हमारा run of water है, वो filter out हो जाता है और दूसरा slow down हो जाता है overland flow. Overland flow जो है हमारा slow down हो जाता है. इससे हमारी जो field के अंदर crops हैं, वो कम damage होती हैं. इसके लिए सबसे बढ़िया जो हमारा वेजिटेटिव बैरियर रिकमेंडेड है वो है खुश ग्रास, क्राइजोपोगन जीजिनॉइड्स. ये पूछा जाता है कि कौन सी बेस्ट बैरियर की तरह काम करती है, विच इज खुश ग्रास. सो नाउ लेट्स डिस्कस द टेम्पररी मेजर्स ऑफ द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक. सो लेट्स डिस्कस विद द लास्ट वन, टेम्पररी मेजर्स ऑफ द सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स. सो टेम्पररी मेजर जो होते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं ऑफ द कंजर्वेशन ट्रीटमेंट. ये मेनली जो है हमारा मॉइस्चर कंजर्वेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. ये हमारा वाइडली एक्सेप्टेड मेजर की टेक्निक्स है क्योंकि ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है. कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि कंटूर फार्मिंग, कंपार्टमेंटल बर्निंग, बेड एंड फरो, डेड फरो, स्टिलेज, मल्चिंग. सो लेट्स स्टडी देम इंडिविजुअली. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल ऑफ द टेम्पररी मेजर्स. तो इसमें सबसे पहला आता है कंटूर फार्मिंग. कंटूर फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग प्लांट करते हैं अलोंग द कंटूर ऑफ द लैंड. ये कंटूर ऑफ द लैंड कैसे पता चलेगा, जहां पे फ्लो ऑफ वाटर हो उसी डायरेक्शन में कंटूर होता है. अब ये जो होता है हमारा रिड्यूस करने के लिए इरोजन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ये एक्ट करता है नेचुरल बैरियर की तरह ताकि हमारा जो वाटर है वो वहीं पे रुका रहे, रन ऑफ ना हो पाए. ठीक है, सेकंड आता है कंपार्टमेंटल बंडिंग. इसमें क्या होता है, लार्ज फील्ड को कई पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे जो रेन वाटर हमारा आ रहा है वो वहीं पे रुक जाए और रन ऑफ ना हो पाए. अब जो पानी आता है वो बह जाता है, उसके साथ सॉइल इरोजन भी होता है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए कंपार्टमेंटल बंडिंग की जाती है. नाउ लेट्स डिस्कस विद द थर्ड वन ऑफ द टेम्पररी टेक्निक, ब्रॉड बेड एंड फरो. ब्रॉड बेड एंड फरो में क्या होता है, एक बेड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर एक फरो रहता है, फिर एक बेड और एक फिर एक हमारा फरो. तो इसमें क्या होता है, बेड पे हमारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो मेंटेन द एरेशन इन द क्रॉप्स, और फरो जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि हमारा जो एक्सेस वाटर है वो हमारा रन ऑफ हो जाए, वो सॉइल रूट्स को डैमेज ना करे. ठीक है, एक्सेस वाटर को डिस्पोज करने के लिए. सो इधर रेज्ड बेड्स और फरो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं
अब हमारा क्वेश्चन आता है, तो ये रेज्ड बेड से कैसे डिफरेंट हुआ? तो रेज्ड बेड में क्या होता है, अगर बेड है तो वहां पे बीच में एक पाथ बनाया जाता है जहां पे हम लोग चल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं। रेस्ट बेड में इसीलिए बनाया जाता है, जबकि फरो में गड्ढा है, वहां पे आप चल नहीं सकते, ठीक है, फरो है बीच में। डेड फरो का क्या मतलब है, डेड फरो फोर्थ वन है। तो इसमें क्या होता है, सपोज मैंने एक लैंड को प्लो करा, ठीक है, मेरे यहाँ पे मैंने एक लैंड को प्लो करा, अब मैं बीच में क्या करूंगी, एक ट्रेंच छोड़ दूंगी, बड़ी सी जगह छोड़ दूंगी, फिर वापस से यहाँ पे प्लोइंग स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे जो ये जगह रह गई, तो इसे मैं कहती हूँ ट्रेंच। अब ये ट्रेंच जो होता है, इसे ही हम डेड फरो कहते हैं, विच इज द ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन द टू एडजेसेंट टाइप्स ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग द प्लोइंग, इज कॉल्ड अ डेड फरो। प्लोइंग के करने के बाद मैं एक ट्रेंच छोड़ दूं और फिर से प्लोइंग स्टार्ट करूं, तो उसे डेड फरो कहें। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड लास्ट ऑफ द टेम्पररी मेजर्स ऑफ द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, कंजर्वेशनल टिलेज, जिसे हम जीरो टिलेज भी बोलते हैं या फिर मिनिमम टिलेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे लिमिटेड सॉइल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, सॉइल में ज्यादा आप डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते ऑन द सर्फेस। इसमें मोस्टली क्या करते हैं, हम क्रॉप रेसिड्यूज को ऐसे ही छोड़ देते हैं सॉइल में, ताकि हमारा कंजर्वेशन बना रहे। इधर हम लोगों ने पाया कि अगर हम लोग कंजर्वेशनल टिलेज को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल टिलेज, तो हमारा 50% तक सॉइल लॉसेस रिड्यूस हुए हैं और फर्टिलिटी इंक्रीज हुई है। सो यू कैन सी हाउ मच दिस इज यूजफुल टू अस। ओके, सो लेट्स डिस्कस द लास्ट वन, मल्चिंग। सो नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट वन ऑफ द टेम्पररी मेजर्स, मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कवर करना सॉइल को, टेक्निकली भी इसका यही मतलब है, कवरिंग द सॉइल। अब ये सॉइल आप ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर करो या सिंथेटिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक में क्या क्या, जैसे स्ट्रॉ लीव्स है ना, और सिंथेटिक में जैसे कि प्लास्टिक। सो यू कैन सी इधर प्लास्टिक से कवर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल स्ट्रॉ और लीव से कवर है। इसका पर्पस क्या है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना। टेम्पररी मेजर्स में हमारा सारा जो टेक्निक्स रहेगा वो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने का ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट करना सॉइल ड्रॉप से। जो सॉइल ड्रॉप मतलब बारिश पड़ती है, उसकी वजह से जो रन ऑफ हो जाता है हमारा सॉइल्स का, उसे भी रोकने के लिए हम लोग मल्चिंग करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड इफ यू डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द एडल क्लासेस। थैंक यू।